बच्चों आज हम चलते हैं भारत के उत्तराखंड राज्य के एक पहाड़ी गांव में जिसका नाम है वारसो। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री जाने वाले रास्ते पर समुद्र तल से 2500 मीटर की ऊंचाई पर यह गांव बसा है। यहां पे 20 से 25 घर ही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के घर बहुत छोटे होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के इलाकों में समतल भूमि नहीं होने के कारण पहाड़ों की ढालों पर ये घर बसे हुए होते हैं और यहाँ के घर जो है मिट्टी और लकड़ी के बने हुए हैं और इनके घरों की छतें जो है ढलवी होती है ताकि वर्षा का जल और बर्फ का पानी आसानी से नीचे बह जाए। कुछ घरों की छतें सपाट भी होती हैं जहाँ पर मक्का को सुखाने और जानवरों के चारा रखने के लिए काम आते हैं। हिमालय के क्षेत्र में खेत बहुत कम होते हैं तो यहाँ के लोग ऐसी जगह खोजते हैं जहाँ पर चौड़ी घाटियाँ हो और पहाड़ों की ढाल जो है हल्की ढाल हो जिससे कि वहाँ पे वो खेत बना सकें और जहाँ पर इस तरह की जगह मिल जाती है वहाँ पे इनकी बसाहट हो जाती है। और इसलिए आपने देखा कि हिमालय के क्षेत्र में जो घर जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं और इनकी बस्तियाँ जो होती हैं छोटी छोटी होती हैं। सर्दियों के महीने में बर्फ बहुत ज़्यादा गिरती है, बारिश सामान्य होती है। बारिश के पानी से मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है और इस मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। और ये सीढ़ीनुमा खेती क्या होती है? सीढ़ीनुमा खेती में हम जो है पहाड़ों की ढाल में सीढ़ियों के आकार का छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं और इन खेतों में चावल, मक्का और फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। यहाँ सब्जियों की पैदावार बहुत होती है। आपने पहाड़ी आलू और शिमला मिर्च का नाम तो सुना ही होगा। इसके अलावा सेब, नाशपाती, आलू बुखारा, चेरी और खुबानी की भी फल बहुत अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं।